हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल पिशाचनी में अब तक आपने देखा रानी जो है संचेत के साथ शादी करके घर आ जाती है। पवित्रा रोकी रानी की शादी को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद पवित्रा जो है रानी का हाथ पकड़कर जंगल में ले जाती है। तो आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पवित्रा जो है रानी से रोकी का पता पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रानी जो है उसको कुछ भी नहीं बताती। जिस बीच उनकी हाथापाई होती है, इस बीच रानी जो है उसको थोड़ा सा हिंट दे देती है कि रोकी कहीं तुम्हारे आसपास तो नहीं है। इस बीच जो है रानी पवित्रा पर भी वार करती है, जिसके कारण पवित्रा घायल हो जाती है। रोकी ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है उसकी मदद ना करने के लिए। तो वही दूसरी ओर रानी और संचेत की शादी को लेकर परिवार वाले बहुत खुश हैं। वहीं पर अमृता प्रतीक आकर एक और खुशखबरी उनको सुनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दादू पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। रोकी के दादू उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी रानी की चाल होती है। रानी जो है सभी घर वालों को ये प्रूफ कराना चाहती है कि वो इस घर के लिए शुभ है और उसके कदम इस घर में पड़ने से दादू भी ठीक हो गए हैं। रानी ने जैसे दादू को कहा था उसकी तारीफ करने के लिए, तो दादू जो है सभी घर वालों को बताते हैं कि ये सब रानी के कारण हुआ है, अगर आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। घर वालों को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है कि रानी जो है शुभ है इस घर के लिए। तो वही दूसरी ओर पवित्रा जो है हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। रोकी अपने आप को बेबस और लाचार देखकर वो भी भगवान को प्रार्थना करता है। हनुमान जी जो है उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और कुछ चीजें छूने की शक्ति उसको दे देते हैं। जिस बीच रोकी मंगलसूत्र को उठाकर पवित्रा को अपने होने का एहसास कराता है। पवित्रा को भी ये एहसास हो जाता है कि रोकी उसके आसपास ही है। उसके बाद पवित्रा रोकी मिलकर रानी को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। तो रानी जैसे ही संचेत के करीब जाने की कोशिश करती है, रोकी वहां जाकर उनके ऊपर पानी डाल देता है। संचेत को गुस्सा आता है, लेकिन अपने आसपास किसी को भी ना देखकर वो डर जाता है कि आखिर पानी किसने गिराया है। उसके बाद रोकी जो है वहां पर सामान गिराने लग जाता है। पवित्रा ये सब छुपकर देख रही होती है। रानी को भी इस बात का पता चल जाता है कि यहां पर रोकी है और वही हमें परेशान कर रहा है। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। साथ ही देखना अब ये होगा कि आखिरकार पवित्रा रोकी रानी को महापिशाचनी बनने से कैसे रोक पाएंगे। तो आगे आने वाली इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।